तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। हेडिंग लगाओ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने होते हैं टोटल? देर आर, कितने लिख दो, 2, 4, 5, 6, 8, 10 कितने लिखो? 2। कितने होते हैं? आप बताओ, आप बताओ कितने? आप एक बोल दिया तो बस दो के पीछे भाग दो, आप बताओ, आप बताओ कितने होते हैं? आप ऑनलाइन बच्चे कोई बताएगा मुझे कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? ऑनलाइन कोई बताएगा कितने होते हैं? गीतिका, और कोई बताएगा? यार आप लोग को ये तक नहीं मालूम पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? और आप लोग बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते चले आए हो, दिल्ली में रह रहे हो, नेशनल कैपिटल में इंग्लिश न चाहते हुए बोलते हो आप लोग, पार्ट्स ऑफ स्पीच 10-15 बना दिया। अच्छा दो जो मैंने बताया कौन कौन से दो होते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। मेरी अंग्रेजी खराब कर दोगे आप लोग, आई एम लिटरली टेलिंग, हॉरिबल आंसर कर रहे हैं आप लोग। क्या मास्टर बनोगे मैं तो ये सोच रहा हूं। आप गीतिका का आंसर एक बिल्कुल ठीक आया, अभी लिखोगे ना कहोगे अच्छा आप ये पूछ रहे थे। समझ आया क्या पूछ रहा था? कम से कम आपको और आपको, आप लोगों को तो सही आंसर करना चाहिए। आपने तो पहले पढ़ा है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, इसी क्लासरूम में पढ़ा था, याद है? ये नतीजे किस चीज का है? क्लास में बात करते रहो, घर पे जाओ, फोन उठा लो, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, ये उसी चीज का नतीजा है। और अगर अभी भी सेम ट्रैक पे चल रहे हो तो फिर अगले साल फिर से हम इसी क्लासरूम में मिलेंगे, भगवान ना करे, लेकिन मिलेंगे हम फिर यहीं पे। ठीक है जी, ये है हमारे टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो जो आप लोग 2 बता रहे हो वो नरेशन होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने क्या पूछा? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये आपने बचपन से सुना है कि यहाँ 8 होते हैं, लेकिन ये तो हम बाद में बातें करेंगे। बट मुझे ये जानना है सबसे पहले कि इसका क्या मतलब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका मतलब क्या है? हमने सुना तो बचपन से क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने होते हैं? वही 8 होते हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या मतलब होता है, कहने का क्या मतलब है? चलो पार्ट्स भी वर्ड हटा दो, स्पीच किसे कहते हैं? जो बातें बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक बता रहे हो, स्पीच किसे कहेंगे जो बातें हम बोलते हैं, ठीक है। और कुछ इसमें ऐड करोगे आप लोग? और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? पता होगा एल फॉर Listening, S for speaking, R for reading and W for writing. कोई भी लैंग्वेज अगर आपको अपनी सही करनी है तो आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, LSRW। आपको सुनना भी पड़ेगा, आपको बोलना भी पड़ेगा, आपको पढ़ना भी होगा और आपको लिखना भी होगा। LSRW का ये थ्योरी एक कॉन्सेप्ट होता है। कहते हैं कि अभी हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज में कोई भी वर्ड, कोई भी चीज जो आप सुनते हो
बोलते हो, पढ़ते हो और लिखते हो उसे हम क्या कहते हैं, स्पीच। बात समझ आ गई? जैसे आप ये देखो, देयर आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, और इंग्लिश में मैंने ये भी यूज किया ना, यानी कि अभी इस सेंटेंस में टोटल कितने पार्ट्स हो गए, देखना 1 2 3 4 5 6 7 सात हो गए। तो कह रहे कि ये टोटल जो भी चीज आप इंग्लिश में यूज करते हो, बोलना, लिखना, पढ़ना या सुनना, उस स्पीच का 8 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। मतलब कि उनमें से हर एक चीज का नाम इन्हीं 8 में से कुछ एक हो सकता है। मतलब इंग्लिश में आपने फुल स्टॉप यूज किया, कॉमा यूज किया, कोई वर्ड यूज किया, उसका कोई ना कोई एक नाम जरूर होगा। तो वो क्या नाम हो सकता है, कहता है कि इसमें से कोई ना कोई एक नाम जरूर होगा। जैसे अगर मैं देर की बात करूं तो देर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, देर एक होता है एडवर्ब। आर की बात करूं क्या है, वर्ब। एट की बात करूं एडजेक्टिव। पार्ट्स की बात करूं नाउन। ऑफ की बात करूं प्रेपोजिशन। स्पीच की बात करूं नाउन, वो जो दिया है सेमीकोलन उसकी बात करूं इंटरजेक्शन। यानी कि कुछ भी अगर आप इंग्लिश में यूज करते हो, जैसे मैंने मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने ये कॉमा भी यूज कर दिया, चाहे इंग्लिश में मैंने कहा हेलो, ऐसे अगर कर दिया हेलो, तो ये भी इंग्लिश में यूज है, ये भी इंग्लिश में यूज है, इसका भी इनमें से कोई ना कोई एक नाम जरूर होगा। हेलो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, इंटरजेक्शन। कॉमा कौन सा है, इंटरजेक्शन। बात समझ आ रही है? तो आप सोच करके देखो कि कोई वर्ड मैंने आपको दिया इंग्लिश का, आपसे मैंने पूछा कि बताओ पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपने कहा कि नहीं सर कोई भी नहीं है, इन 8 में से कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, क्या वो इंग्लिश का वर्ड होगा? नहीं होगा। अगर वो इंग्लिश का वर्ड है तो उसमें से कोई ना कोई नाम इसका जरूर होगा। समझ आ गई बात? तो जितनी भी सारी स्पीचेस हैं उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। और जब आप बात करते हो ग्रामर की, तो मेन ग्रामर हमारी कौन सी है, यही सब पूछा। सेक्शन के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज तक किसी का कंप्लीट नहीं हुआ, बट फिर भी जितनी हमें रिक्वायर्ड है हमें, वो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा। एक चीज और आपको ध्यान रखना हो, क्या, जैसे मैंने आपसे कहा कि हाँ देर एक नाउन है, ठीक है, सॉरी देर एक एडवर्ब है, तो कोई एक वर्ड इंग्लिश में अगर आप यूज करते हो, फॉर एन एग्जाम्पल स्कूल, मैं अगर कहूं कि बताओ इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो डेफिनेटली इसमें से कोई ना कोई एक जरूर होगा, या तो नाउन पढ़ाऊ कुछ भी। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए हमने कह दिया कि हाँ स्कूल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या है ये नाम है, नाउन। तो ये भी ध्यान रखना होगा कि अब अगर ये नाउन है तो हो सकता है कि नाउन के अलावा कुछ और भी पार्ट ऑफ स्पीच बन जाए। बात समझ आ रही है? ये नहीं है कि हाँ अगर स्कूल एक नाउन है तो सिर्फ ये सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच है, पॉसिबिलिटी है कि ये एडवर्ब भी बन जाए। जैसे हम कैसे पता करेंगे सर फिर वो नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कहते हैं कि आप ये सोचो कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपने मेरे एक नाम रखा होगा, मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो मैं आपके लिए कौन हूं, मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपके लिए कौन हूं, टीचर, ठीक है। तो क्या टीचर मेरा नाम है? नहीं। आपने मुझे कहा, क्यों कहा मुझे टीचर, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जैसे मैं अपनी एक्टिविटी चेंज कर दूं, मैं अगर यहां पे डांस करने लगूं, आप मुझे क्या कहोगे, डांसर। अगर मैं यहां गाना गाने लगू तो सिंगर। आप मेरा नाम बार बार क्यों बदल रहे हो मेरी एक्टिविटी देख करके? सेम होगा कि इंग्लिश में अगर कोई एक वर्ड आप यूज कर रहे हो तो वो कैसे यूज हुआ है उसको देख करके आपको नाम डिसाइड करना होगा। और जैसे आपके लिए टीचर हूं, हो सकता है किसी का बेटा हूं, सेम पर्सन, आपके लिए टीचर, किसी का बेटा है ना, किसी का भाई, ऐसे कहा जा सकता है। तो एक ही आदमी अलग अलग नाम से जाना जा रहा है कि नहीं जाना जा रहा है, वैसे ही होगा इंग्लिश में भी एक वर्ड अलग अलग नाम से जाना जाएगा। कैसे, वो डिपेंड करता है कि हमने उसका यूज कैसे किया। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं कि नहीं सर ये स्कूल सिर्फ नाउन है, एक सर्टेन टाइम पे स्कूल क्या बन जाता है, एडवर्ब भी बन जाता है। तो ये डिपेंड करता है, हम कहते हैं हाउस, होम, क्या है, और ये सारे क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं और आपके सीट ऑफ डिटिप्लेसिंग में, फाइन। तो आज हम पहला पार्ट ऑफ स्पीच कवर करेंगे, कौन सा, नाउन का, ये लिख लो और उसके बाद से हेडिंग लगाओ नाउन। ऑनलाइन बच्चे आप भी बताते रहो अगर सब कुछ समझ आ रहा है, ठीक है, यस लिख लो, और कोई डाउट है तो पूछते रहो। आर्टिकल कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होता है, अलग भी नहीं होता है। बच्चे बोलते हैं कि ए एंड द का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, बच्चे कहते हैं आर्टिकल, क्या आर्टिकल कोई पार्ट ऑफ स्पीच है, तो क्या ए एंड द इंग्लिश का वर्ड नहीं है, कहते हैं ए एंड द बेसिकली क्या होता है, एडजेक्टिव,
अगर पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाए तो आप कहोगे एडजेक्टिव, ए एंड द के ग्रुप को भले हम कह सकते हैं क्या वो आर्टिकल, बट आर्टिकल कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होता है, ये ध्यान रहे। ठीक है, चलिए हम आगे। गुड, अच्छी बात है, सबको समझ आ रहा है। गुड, कदरब तो आ रही है, सब प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बच्चे से पूछा, ये पर्सनल मैसेज क्यों बन रहा है मैडम, क्या कि वॉइस नहीं आ रही? तो बोलो कि अपना डिवाइस चेक करें ना, वो एक को भी अगर मेरी आवाज जा रही है यानी कि हमारा डिवाइस ठीक है ना। फिर और अगर आवाज नहीं जा रही है तो यहाँ चैट में लिखे ना, ये मैडम को बोलेंगे मैडम आवाज दे देंगे क्या मेरी? अच्छी बात है। डेफिनेशन बताओ जी, नाउन के डेफिनेशन क्या है? नाउन इज, ऐसे मुंडे इलाके बोलते थे ना, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग, नहीं होता है, छोड़ दो। Person, place, thing. अभी देखना, भी थोड़ी देर में आप ही इसको काटोगे कि नहीं ये तो गलत है। A noun is the name of anything. दुनिया में कोई भी चीज जिसका आप नाम दे सकते हो उसे सिंपली हम क्या कहते हैं? Noun. ठीक है। चलो जी, कुछ सेंटेंसेस दिए मैंने आपको, और ऑनलाइन विद स्टूडेंट्स जितने सारे हैं ध्यान से देखेंगे, इसको लिखना नहीं है अभी,
आप आराम से ये सारे सेंटेंसेस देख लो, चेक कर लो, अपने मन में सोच लो। जब मैं आपसे पूछूंगा आपको पता करना है कि इन सारे सेंटेंसेस में नाउन कहाँ कहाँ पे है। जब मैं आपसे पूछूंगा आपको रिप्लाई करना है कि हाँ सर ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है। आप अपना टाइम जितना भी लेना चाहते हो ले सकते हो। जब मैं पूछूं तो आप लोग रिप्लाई करना है कि सर यहाँ पर ये नाउन है, यहाँ पर ये नाउन है, ठीक है। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी एक बार डिसाइड कर लेंगे कि इन सारे सेंटेंसेस में कौन कौन सा नाउन है। जब भी मैं आपसे पूछूं आप रिप्लाई करना। कर लिया डिसाइड? चलो आप लिख रहे हो, ये कर लो। बताओ इसमें नाउन क्या है? राजू। सारे बच्चे अग्री कर रहे हैं, वेरी गुड। और क्या है नाउन? सब बोलोगे तभी मैं अंडरलाइन करूंगा। मैं फिर बताता हूं इसमें और कुछ नाउन है? ये सर नो हो सकता है, नहीं है या नहीं ये बताओ, कंफर्म है? वेरी गुड गीतिका। सुनील इज अ टीचर, और कुछ है नाउन? वेरी गुड। रोहन हैज फाइव कार्स, रोहन है, ठीक है। और क्या है? गुड। माय फ्रेंड्स wrote a letter to the principal. Friends, letter है, बताओ खुल के। कौन कौन फेवर में है कि letter एक noun है, याद बताओ। बहुत कम बच्चे हैं, आधा अंडरलाइन करता हूँ। मैंने कर दिया आधा, हाफ भी इंक्लूडेड, ठीक है। और भी है कुछ इसमें? वेरी गुड, गिव इट अप। बिल्कुल ठीक आंसर आ रहे हैं सबके, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो आप लोग। फ्रेंड्स लेटर प्रिंसिपल, गुड गुड। चलो दिस इज माय होम, ठीक है। ये मैं गलत अंडरलाइन कर रहा हूँ, लिखने के चक्कर में मत रहे ना आप लोग। कर रहे हो ना अंडरलाइन, करो, काटना पड़ेगा। मैं जानबूझ के गलत लिखाऊंगा और काट दूंगा, पर पेज ही फाड़ना पड़ जाएगा। मैं ये भी काम करता हूँ, मैं कसम दे के भी पढ़ाता हूँ। नहीं पता है आप लोगों को, आप लोगों को तो पता होगा, मैं कसम दे के पढ़ाता हूँ, विद्या कसम देता हूँ, माँ बाप की कसम देता हूँ, फिर भी नहीं याद होता है। लास्ट में तो बाबू सोना की कसम देता हूँ, ये मैं करता हूँ, याद रखना। हाँ वो वर्चुअल मान लेगा ऐसे करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। अल्टीमेट मोटिव है पढ़ाना, समझना, समझाना। ये लिख करके बर्बाद हो रहे हो आप लोग, बचपन से लिख करके अभी तक इतने बड़े हो गए, ये नहीं पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं आठ। दो बता रहे हो, 10-15 बता रहे हो, खुद भी समझो ना, बड़े हो रहे हो आप लोग। क्यों हम लिखे जाने छापने के चक्कर में हो, अजीब सी बात, बहुत इरिटेशन होती है ये। लैंग्वेज नहीं लिखो, अगर आपको लिखना है तो आप मैथ्स की अगर पेन की स्याही घिसते हो तो आपकी मैथमेटिक्स अच्छी हो जाएगी। अगर आप अपने पेन की स्याही बचा करके रखते हो लैंग्वेज में तो आपकी लैंग्वेज बेहतर होती है। मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, टीचर हूँ, मैथ्स ऑनर्स है मेरे, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ लैंग्वेज इंग्लिश, और 13 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। ये कभी भी मेरे पास कोई भी नोट्स नहीं है, पूरे ऑल ओवर दिल्ली में मैं पढ़ाता हूँ, जितने भी सारे इंस्टीट्यूट हैं सब जानते हैं। लेकिन अगर आप मेरे से पूछ लो कि सर एक नोट्स कोई दिखा दो, एडवर्ब पे एडजेक्टिव पे, नहीं है, सारे नोट्स मेरे दिमाग में। समझ आ रही बात? कुछ नहीं कर सकते हो आप लिख करके। मैं यहां खड़ा होकर के ABCD से लेकर के पूरा सिलेबस खड़ा होकर पढ़ा सकता हूं और पढ़ाता हूं। छाप करके कहां छपा हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो निकालो वो सब चीज, ये सब लिखने की क्या बहुत खराब है। अब देख लूंगा, अगर लिखते हुए मैं कॉपी ले लूंगा आपकी, और मैं क्या करते हो रेस्टिगेट कर देना, डिबार कर दूंगा मैं 3 साल के लिए। रवि गोज होम, रवि और टीचिंग इज एन आर्ट,
पार्ट है. गुड. लाफ्टर गिव्स हैप्पीनेस. मुझे नहीं मालूम, आप कह रहे हो मैं ही लिख रहा हूं. आप जैसा कहोगे हटा दो. हटा दो. ऑनलाइन कुछ बच्चे भेज रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपके हिसाब से मैं चल रहा हूं, टेंशन मत लो. लाफ्टर गिव्स हैप्पीनेस. हैप्पीनेस गुड. और भी कुछ है नाउन इसमें? कोई बात नहीं गीतिका, बिल्कुल. और है टेंशन कॉसेस एंजाइटी, है नाउन इसमें? टेंशन है, एंजाइटी. चलो कुछ थोड़ा सा करता हूं. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. और माय पेरेंट्स आर कमिंग फ्रॉम इंडिया. इंडिया. गुड. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनलाइन बच्चे कॉज नहीं, किसी बच्चे ने कौन है निम्मी, कॉजेस नहीं होगा निम्मी. चलो मैं बता रहा हूं, वो एक वर्ब है, वो एक क्या है वर्ब. निम्मी कौशिक वो एक वर्ब है, ठीक है. बाकी ठीक है आंसर आप लोग का, अभी बताऊंगा कि सही है या गलत है. ऑनेस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. पॉलिसी ऑनेस्टी कर दो, कर दो. चलो एक बात बताएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बच्चे ध्यान से सुनो अब मेरी बात. अब मुझे बताओ, आपने कहा कि पॉलिसी एक नाउन है, मैंने मान लिया, मैंने कर दिया अंदर. जिसने कहा उसके लिए मैं कह रहा हूं पॉलिसी यस और नो में रिप्लाई करना. पॉलिसी क्या किसी पर्सन का नाम है, यस और नो? प्लेस का नाम है? थिंग का नाम है? लेकिन फिर भी आपने कहा कि यस दिस इज अ नाउन. बट आप डेफिनेशन क्या बता रहे हो? अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग. और इसमें आप पॉलिसी को भी इंक्लूड कर रहे हो, ऑनेस्टी को भी इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है, जो कि तीनों में से किसी में नहीं आ रहा. इसका मतलब कि ये डेफिनेशन हमारी देखो डेफिनेशन वही है कि दुनिया में कोई भी चीज जिसका आप एक नाम दे सको उसे सिंपली क्या कहेंगे हम, नाउन. तो ये डेफिनेशन से हमारा काम नहीं चलेगा. पढ़ाने के लिए तो आप यही पढ़ाओगे कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, और भी इसमें चीजें ऐड हो जाएंगी, आइडिया हो जाएगा, कॉन्सेप्ट होगा, फीलिंग्स होगी, एक्शन है, क्वालिटी है, स्टेट, बहुत सारी, तो कितनी सारी चीजों का नाम लिखा होगा. उससे बेहतर है कि आप ये बता दें कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, दुनिया में जो भी चीज जिसका नाम दे सकते हो. लेकिन आपको नाउन फाइंड करने का मैं एक आसान तरीका बता रहा हूं. देखो सारे बच्चे बोलेंगे व्हाट मींस, वेरी गुड, दिख रहा होगा सबको. हु मींस, हु मींस कौन, बिल्कुल ठीक है. और होम का मतलब किसे, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं. व्हाट, हु और होम, जब भी आप किसी भी सेंटेंस में ये व्हाट, हु और होम का क्वेश्चन पूछो, और अगर मान लो आपको एक आंसर मिल गया, ये आंसर ही या तो नाउन बनता है या तो प्रोनाउन बनता है. तो सर हम कैसे पता करेंगे कौन सा नाउन है कौन सा प्रोनाउन है? भाई प्रोनाउन पता करना तो बहुत आसान है ना, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, और इसके अलावा दिस दैट दिस दोस, इसके अलावा जो भी बच गया क्या बन जाएगा नाउन. और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे? पहला क्वेश्चन बताओ व्हाट, हु और होम. मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप सोच समझ के आंसर करना, समझ करके, ये नहीं कि मैं पूछे जा रहा हूं आप बिना सोचे आंसर कर रहे हो, वैसा नहीं. हु इज द डॉक्टर, सॉरी हु इज दिस बॉय, और राजू कौन है, राजू कौन है, बॉय है. राजू अच्छा लड़का नहीं है, राजू लड़का है, ठीक है. कौन है, हु का आंसर मिल गया, क्या मिला यहाँ पर, नाउन. अब इस नाउन के बारे में, बॉय के बारे में क्या जानकारी है, और जो नाउन के बारे में बताया वो क्या होता है, ये भी क्या बन गया. आप यहां से बॉय हटाओ, ये हट जाएगा, राजू इज गुड, राजू इज अ गुड होगा नहीं, इसका मतलब कि ये ए किसके लिए आ रहा है, बॉय के लिए. जो नाउन के लिए आ जाएगा क्या बन जाता है, वो एडजेक्टिव. अलग की बात है कि हम इसे आर्टिकल का नाम देते हैं, बट पार्ट ऑफ स्पीच की बात की जाए तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव. हु इज सुनील, सुनील कौन है, टीचर. कौन का आंसर मिल गया, कौन टीचर है, हु इज टीचर, सुनील. समझ आ रहा है क्वेश्चन, सोच समझ करके आंसर करना. तीनों में से कोई एक कर
किसी का भी आंसर मिल जाए वो नाउन बनेगा, तीनों का मिलेगा तब भी बनेगा, एक का मिले तब भी बनेगा, ठीक है। Who has five cars? Who has five cars? And Rohan has what? Rohan के पास क्या है? Cars. Rohan के पास क्या है? Cars. अब cars के बारे में क्या details है? क्या बनाइए? जो noun के बारे में बताया वो adjective. Simple सी बात है. Who wrote a letter to the principal? किसने लिखा? Friends. Friends है ना? फ्रेंड्स के बारे में क्या डिटेल्स है कि वो मेरे हैं, क्या बनेगा ये? माय फ्रेंड्स रोट, व्हाट रोट, क्या लिखा? लेटर, क्या बना ये? माय फ्रेंड्स रोट अ लेटर टू हूम, किसे लिखा? क्या बना ये? समझ आ रहा है? बिल्कुल सोच समझ के। दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, होम, या क्या है? घर है, क्या ये? अब इस घर के बारे में क्या डिटेल्स हैं? क्या बनाइए? ठीक है। Who goes home? रवि goes home। रवि goes what? मैंने कहा ना बिना सोचे समझा आंसर। अब देखो यहां पर ना तो who का आंसर मिल रहा है, ना तो what का मिल रहा है, ना तो home का। आंसर किसका मिल रहा है हमें? Where का आंसर। और where का मतलब क्या होता है? Where का आंसर करने वाला क्या बन जाता है? Adverb, क्या बनेगा? Adverb। अब आप देखो यहां पर रवि goes, where goes? Home। अब home यहां पर क्या बना? और वही home यहां पर क्या था? Noun। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा कि हम कसम खा के नहीं बैठेंगे कि हाँ ये वर्ड ये हमेशा नाउन है या फिर एडवर्ब है, हम सिंपली ये सोचेंगे कि वो एक्ट कैसे कर रहा है। अगर मुझे व्हाट, हु और होम का आंसर मिल गया तो क्या बन गया? नाउन। और अगर मुझे वेयर का आंसर मिल गया क्या बन जाएगा? वो एडवर्ब। वेरी सिंपल, समझ आ गई बात। व्हाट इज एन आर्ट? टीचिंग। नाउन। एंड टीचिंग इज व्हाट? वेरी सिंपल, ठीक है। व्हाट गिव्स हैप्पीनेस? क्या खुशी देता है? एंड लाफ्टर गिव्स व्हाट? क्या देता है? लाफ्टर, हैप्पीनेस। व्हाट कॉजेज एंजाइटी? एंड टेंशन कॉजेज व्हाट? टेंशन क्या करता है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? Delhi is the capital of what? India. And Delhi is what of India? India का क्या है? क्या बना? Now. Who are coming from India? Parents. Parents के बारे में क्या details है? My parents are coming from what? या coming from where? Where का answer मिल रहा है ना? तो where का answer करने वाला India क्या बन गया यहाँ पर? वही India यहाँ पर क्या था? Noun. और वही India यहाँ पर क्या बन गया? Adverb. What is the best policy? Honesty. And honesty is what? Best policy. समझ आया आप लोगों को? Noun पता करने का तरीका क्या है? Definition तो आप बताओगे ही, लेकिन देखो पहचान, जब तक आप word नहीं पहचानोगे, सबसे important चीज लैंग्वेज में एक ही होती है कि आपको parts of speech की knowledge हो। आपको कोई word दिया गया हो तो आपको ये बात समझ आ जाए कि हाँ अच्छा ये noun है, ये pronoun है या कैसे है। तो चलो मान लो कि अभी मैं noun पढ़ा रहा हूँ तो noun के बारे में बता रहा हूँ, कल को प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो प्रोनाउन की समझ दूंगा, एडजेक्टिव धीरे धीरे करके आपको बात समझ आ जाएगी, क्योंकि हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का अपना एक अलग रोल है। अगर आप किसी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पता कर पाओगे तो उसका प्रॉपर तरीके से यूज नहीं करेंगे। बहुत छोटी सी बात अगर मैं आपको बताऊं, एक पॉइंट होता है कि जब आप नाउन में एलवाई एड करो, ठीक है, अगर आप नाउन में एलवाई एड करते हो तो वो बन जाता है क्या? एडजेक्टिव। और अगर आपने एडजेक्टिव में ly ऐड कर दिया तो वो बन जाता है एडवर्ब। अब आप सोचो फिर हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट हो गया ना जानना कि कोई वर्ड नाउन है या एडजेक्टिव है। अब समझ रहे मेरी बात? ly या तो हम नाउन को दे सकते हैं या तो हम एडजेक्टिव को। अगर मैंने एडजेक्टिव को ly दे दिया तो क्या बन जाएगा? वो एडवर्ब। अगर मैंने नाउन को दे दिया तो क्या बन गया? एडजेक्टिव। जैसे वर्ड लिखा है मैंने नीचे देखो, कवर्डली, ठीक है। ly हमने किस में ऐड किया है? Covered. अब आपको सोचना है कि कवर्ड क्या है, नाउन है या एडजेक्टिव है, तो सारी बात हो गई। अब ये अच्छा, अगर मैं कवर्डली की बात करूं तो ये क्या क्या बनने की पॉसिबिलिटी है? या तो एडजेक्टिव या तो एडवर्ब, क्योंकि इसमें ly है। लेकिन अब ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है ये तो सब डिपेंड करता है कि हम कवर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच जाने।
अगर मान लो किसी ने कहते कि सर ये कावर्ड जो है ना एक नाउन है, तो कावर्डली क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। किसी ने कहा कि कावर्ड जो है वो एक एडजेक्टिव है, तो कावर्डली क्या बन जाएगा? आपको क्या लग रहा है कि कावर्डली एडजेक्टिव है या एडवर्ब? अब बात कहां पे आ गया अटक गई बताओ, कि कावर्ड का हमें पार्ट ऑफ स्पीच नहीं मालूम। अगर वो पता होता तो हमारे लिए आसान है ना। वैसे क्या लग रहा है आपको, कावर्ड नाउन है या एडजेक्टिव? डरपोक नाउन है या एडजेक्टिव? आप लोग ऑनलाइन बच्चे, आप लोग एडजेक्टिव नाउन होता है कावर्ड, ये जो है ना विशेषता बताने का तो काम ही नहीं होता है एडजेक्टिव का। विशेषता बताना पॉजिटिव बात होती है या नेगेटिव? नेगेटिव कैसे होता है विशेषता बताना? मुझे फोन खरीदना है, मैं जाकर के बोलू उससे कि फोन की विशेषताएं बताओ, तो बोलेगे सर इसकी बैटरी दो घंटे में ड्रेन हो जाएगी, एक मिनट में चार बार हैंग होगा, है ना, और ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, अगर आप थोड़ा सा भी नीचे गिरोगे टूट जाएगा फोन, ये इसकी खासियत है, ये इसकी विशेषता है क्या? नहीं है ना, दैट इज डिफरेंट। तो वो विशेषता थोड़ी ना है फिर। एडजेक्टिव की हिंदी होती है क्या? विशेषण होती है। वो कभी भी किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताता है। अगर बताता होता तो फिर विशेषताएं हमेशा पॉजिटिव होती है, तो एडजेक्टिव भी सारे पॉजिटिव होने चाहिए, बट हमारे पास नेगेटिव एडजेक्टिव भी है, नोटोरियस भी है, बैड भी है, अगले भी है, तो सिंपली हम ये मान कर चलेंगे कि एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन का डिटेल्स देता है। डरपोक लड़का, या मैं कहूंगा वो डरपोक है। सोचो आप कहते ना किसी को कि हाँ वो डरपोक है, तो डरपोक उसकी क्वालिटी नहीं है, उसका नाम रख दिया हमने। कावर्ड जो होता है वो एक नाउन होता है, और कावर्डली क्या बन जाएगा? एक एडजेक्टिव। बात समझ आ गई? डरना लगे, डरना जिसमें ना आ जाए लास्ट में वो बन जाता है वर्ब। डरना आपने कहा ना, तो डरता है ना, वही बता रहा हूं। जो बेस मीनिंग होती है वो हम देख के चलते हैं। डरने की इंग्लिश क्या होती है? फ्राइटन, फ्राइटन भी होती है, ठीक है, डराना किसी को, और एक होता है फियर। तो जब भी कोई वर्ड जिसकी हिंदी में लास्ट में ना आ जाए उसे हम मान लेते हैं कि वो वर्ब है। जैसे बोल करके देखो, फियर का मतलब क्या होता है? और फ्राइटन का मतलब डराना, ईट का मतलब राइट, गो कम लाफ, सारी वर्ब हो गई। तो डरना वर्ब है, ठीक है, और मैं कहूं डरपोक, दोनों अलग अलग बात है। डरपोक नाउन हो गया। खेल, खेल और खेलने में अंतर है? खेलना, खेलना एक वर्ब है, ना आ गया, और खेल एक नाम हो गया। क्रिकेट क्या है? खेल है, तो खेल क्या बन गया? एक नाउन। तो खेल की इंग्लिश क्या होगी? गेम, स्पोर्ट्स, और खेलने की इंग्लिश प्ले, दोनों अलग अलग है। हम कहते हैं शादी, शादी या शादी करना, है ना, तो शादी क्या है, नाउन है या वर्ब है? एक नाम है, तो उसकी इंग्लिश क्या होती है? मैरिज। और मैं अगर कहूं कि शादी करना तो उसकी इंग्लिश होती है मैरी, और उसकी फाइव फॉर्म होती है मैरी, मैरिड, मैरिड, मैरिंग, मैरिज। बहुत खेल है इंग्लिश में, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं बिल्कुल जीरो से चलो, और पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। फिर वो क्या मारते यहाँ पर, इसलिए नाउन है क्योंकि मुझे व्हाट का आंसर मिल रहा है। आंख बंद करके आप उसे नाउन बोल सकते हो अगर मुझे व्हाट, हु और होम का आंसर मिल जाए। वैसे भी दिस इज नॉट अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ अ नाउन। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का रोल प्ले करे तभी उसको हम इंग्लिश में नाम देते हैं जेरेंड का। जेरेंड का नाम सुना होगा कभी आप लोगों ने लाइफ में, किसने नहीं सुना? कहां से आए हो यार, क्या पढ़ करके आए हो, लिखो इसको। आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएंगे आप लोगों को नाउन पहचानना थोड़ा सा इजी हुआ, डाउट है या कंफर्टेबल हो? जिस जिस स्कूल से आप लोग पढ़ के आए हैं उस स्कूल का मुझे नाम दे देना, मैं अपने किसी जानकार वाले को नहीं भेजूंगा वहां पर, क्योंकि आपके अंग्रेजी मैंने देख लिया, सबके इंग्लिश मीडियम पढ़ करके आए हैं आप लोग। पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं समझ आ रहा है, जेरेंड वर्ड नहीं सुना है,
वर्ब क्या आईएनजी फॉर्म जब नाउन का रोल प्ले करे तभी उसको हम कहते हैं जेरेंड, जो कि जेरेंड जेरेंड जी ई आर, जब नाउन का रोल प्ले कर जाए वर्ब क्या आईएनजी फॉर्म तो उसे हम कहते हैं जेरेंड। जैसे डांसिंग, डांसिंग इज एन एक्सरसाइज, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये सब क्या है? जेरेंड है, नाउन है। गुड, वेरी गुड, फटाफट नोट करें। कर दिए थे वापस पैसे, एक इम्पोर्टेंट बात चल रही है, वापस कर दिए पैसे उसने, नहीं किए, बात करो, मांगो, बात करो। एक लड़का था, उसका एक फ्रेंड था, तो उस लड़के का फ्रेंड बना लंगूर। लंगूर समझते हैं आप लोग? हाँ, जो ऐसे गुलबाजी मारना समझते हो, नीचे जमीन पे ये हाथ रख करके और पलट जाना ऐसे करके। तो एक दिन दोनों वो जा रहे थे, तो उस लड़के को कुछ लड़कों ने घेर लिया और उसको मारना स्टार्ट कर दिया, उस लड़के को मारने लगा और ये चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। ये अपने दोस्त से लंगूर से बोल रहा था कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन वो लंगूर क्या कर रहा था? गुलबाजी मार रहा था। तो जब ये पेट पिटा गया तो इसका गुस्सा, बोला कि यार तू तो मेरा दोस्त है तो मुझे बचा सकता था ना। तो बोला कि भाई मैं तो लंगूर हूँ, ठीक है, मुझे जो आता है मैं वही कर सकता हूँ ना, मैं गुलबाजी मारने के लिए प्रसिद्ध हूँ, ठीक है, फेमस हूँ, तो जो मुझे आता है मैंने वो किया, मैंने गुलबाजी मारी, ठीक है। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी, सर स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, जितना आएगा उतना ही पढ़ाएंगे ना, जब आता ही नहीं तो कहां से पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही बात है, पीआरटी टीजीटी पीजीटी सरकारी स्कूल, आप खुद सोचो, आप अभी सीटेट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी करने से नौकरी नहीं मिलेगी, आगे आप लोग को DSSSB की तैयारी करनी पड़ेगी। अभी आप लोग इस मोमेंट पर ये बात कह रहे हो कि सर ये नहीं पढ़ाया गया, किसी को आश्चर्य हो रहा है कि अच्छा ये है नाउन, अच्छा ऐसे पता करते हैं, तो दो चार महीने आप सीटेट की तैयारी करोगे, आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी या नहीं होगी? होगी। उसके बाद DSSSB में जाओगे तो इससे भी डेप्थ आपको पढ़नी होगी इंग्लिश, ठीक है, तो नॉलेज और भी इंप्रूव होगी या नहीं होगी? होगी। और अगर आप पास कर गए मान लो PRTTG या फिर PGT, तो डेफिनेटली आपके पास नॉलेज है, तभी तो आपने एग्जाम क्रैक किया, तब जाकर के आप पढ़ाने जाओगे तो आप ये सब चीजें पढ़ाओगे, है ना। सोचो प्राइवेट स्कूल में ना सीटेट है, ना PRT का पेपर, ना TGT, ना PGT, कुछ पेपर नहीं पार करना है। हम मैडम सुंदर दिख रही है यहाँ, 45,000 सैलरी, ठीक है, अच्छी इंग्लिश बोल रही, ये होता है मुझे पता है, दिस अ फैक्ट, है ना। तो अब सोचो उस स्कूल में कल को हम अपने बच्चों को भेजेंगे या फिर किसी सरकारी स्कूल में भेजेंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें पता है ना कि सरकारी में कोई पढ़ा रहा है तो जरूर उसने CET, PRT, PGT कोई ना कोई पेपर क्रैक किया होगा। लेकिन ये अजीब सी विडंबना है कि 10वीं तक प्राइवेट, 11वीं 12वीं तक प्राइवेट, उसके वजह से चाहिए सरकारी। बच्चे का बेस ही खराब कर रहे हो आप और ग्रेजुएशन में भेज रहे हो आप उसके वजह से सरकारी में, यही चीज गलत है। आप अच्छे स्कूल में लिख भी रहे हो या बातें ही सुन रहे हो? फटाफट लिखो, 2-3 कलर के पेन लेके मैं आया करो आप लोग, हाँ इससे टाइम खराब होता है। तो सरकारी स्कूल अच्छे हैं, बस ये कि थोड़ी सी डिसिप्लिन की कमी है, बट प्राइवेट में तो खैर बहुत बुरा हाल है। जल्दी देखो, प्राइवेट में बहुत बुरा हाल है। मैंने बताई थी एक कहानी, बताता हूँ अक्सर। मैं एक दिन खाना खा रहा था रात को, खाता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, एक दिन नहीं खा रहा था, तो मेरी एक भांजी एक वर्ड याद कर रही थी, जॉर्ज होते हैं ना बॉने छोटे छोटे, क्योंकि DWARF, आप भी ऑनलाइन बच्चे ध्यान सुन रहे, ये पेपर में खूब पूछा गया है, ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, छोटे जो लोग होते हैं। तो मैं खाना कर रहा था रात को, देखा क्या वो रट्टा मार रही है DWARVS, DWARVS, मैंने कहा जरा ना किसने पढ़ाया, तो बोला कि मैडम ने पढ़ाया, मैंने कहा चलने मेरे साथ स्कूल, तो मैं स्कूल गया, ठीक है, उसे लेकर के मैंने कॉपी ली, मैंने कहा तुम क्लास में जाओ। तो वो स्कूल कैसा है कि हाँ एक
एक सासू माँ है, ठीक है, एक बेटा है, एक उसकी बहू है, और चार पांच टीचर्स को हायर कर लिया और बिल्डिंग बना लिए लंबी ऊंची और सब पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और बाहर की गर्मी, जब मैं उनके कैबिन में घुसा तो मतलब 16 डिग्री टेम्परेचर, चिल्ड बिल्कुल, मुझे ठंड लगने लगी। तो मैंने कहा अच्छा, वो जो प्रिंसिपल थी वो उसकी सासू माँ थी, मतलब प्रिंसिपल सासू माँ बेटा, और ये तो बॉब कट, यहाँ तक ही उसके बाल थे, और गोरी चट्टी थी, ठीक है, अच्छी थी, 50-52 के आसपास की उसकी एज होगी। तो मैंने कहा कि मैम, ड्वार्फ का प्लूरल आपने ड्वार्फ्स बताया। तो बोले कि हाँ। मैंने कहा होता है, तो सरकास्टिकली स्माइल की उसने, और मैं इसी की तरफ देख रही थी क्योंकि हवा मेरे पास आ रही थी, और बिल्कुल चिल्ड बोले कि सरकास्टिकली स्माइल की उसने, बोले कि हाँ हाँ होता है। मैंने कहा मैम प्लीज आप एक बार मुझे दिखा दो। बोला ठीक है। तो टेबल के नीचे लेकर के ना वो फोन में कुछ ऐसे करके करने लगे करने लगे करने, और मुझे लग रही थी ठंड की, फटाफट दिखाओ मैं बाहर जाऊँ, ठीक है। थोड़ी देर के बाद देख रहा हूँ तो मुझे कुछ चीज चमक रही थी उसके चेहरे पे। क्या चमक रही थी चीज? उसके यहाँ से पसीना निकल रहा था, आप समझ लो, मुझे ठंड लग रही थी और जब 15 मिनट बीत गए तो उसके यहाँ से पसीना निकल रहा था, वो पसीना चमक रहा था लाइट से। क्यों? क्योंकि उसको ये मिल ही नहीं रहा था, ये वर्ड ही नहीं होता है, ये एक्चुअल वर्ड होता है। और ये पेपर में हजारों बार पूछा गया, हमें बताया गया कि एफ या एफ ए हो तो वी ए से रिप्लेस कर दो, हर बार नहीं होता है, ठीक है। तो जब 10-15 मिनट बीत गए ना, मैंने कहा क्या हुआ मैडम, मिला? तब मैंने सरकास्टिकली स्माइल की ताकि उसको लगे। तो बोले कि नहीं बेटा मैं दिखा दूंगी। मैंने कहा मैडम होता ही नहीं है, दिखाओगे कहां से आप? बोले कि ठीक है। अगले दिन जब 2-4 दिन बाद में फिर से जब उसको लेने पहुंचा स्कूल में, तो वो मैडम ने मुझे देख लिया कि हाँ ये फिर आया है। अब माँ बहू बेटे तीनों बिखर गए, है ना, मतलब कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई जा रहा है, मतलब अब क्या लेकर के आया ये। तो 2-4 दिन बाद उन्होंने मेरे सिस्टर से पूछा कि ये चश्मा वाला था वो कौन है? बोला कि भाई मेरा, क्या करता है? इंग्लिश का टीचर है, कहाँ पढ़ाता है? सरकारी नौकरी की तैयारी कराता है। सर पे हाथ रखा कि यार। फिर उसके बाद से मीटिंग हुई वो लड़की को बुला करके जो सुंदर सुंदर से थी, कि हाँ आप लोग पढ़ के आया करो, गलत मत पढ़ाया करो, हमारे स्कूल की बदनामी हो रही है। सोचो अगले ही दिन हमने वहां से उसका नाम हटा दिया, क्योंकि अब सोचो जो बच्चा ग्रेजुएशन तक ये याद करके जाए, और ग्रेजुएशन के बाद उसको अगर नौकरी की तैयारी करनी है, तब मैं कहूँ कि बेटा ये नहीं होता है, ये होता है, वो मानेगा बच्चा? वो कभी नहीं मानेगा, वो कहेगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है, आप गलत पढ़ा रहे हो। तो ये चीजें हैं, सरकारी और प्राइवेट स्कूल में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। चलो जी, हेडिंग लगाओ, नाउन नंबर। नाउन में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने होते हैं, ठीक है। बट ये है कि बहुत डेप्थ तक आपको पढ़ना ही नहीं है, आपका सीटेट का तो सिलेबस भी नहीं है कुछ, एक सप्ताह में खत्म हो जाए। इंग्लिश में ग्रामर में आपका सिलेबस नहीं है ज्यादा। नाउन में एक टॉपिक होता है नंबर, काफी लेंथी टॉपिक है ये, ठीक है। नंबर टू टाइप्स के होते हैं, पता ना आप लोगों, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। देखो जी, कई बार क्या होगा कि हाँ कोई वर्ड अगर आपको दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप इसका प्लूरल फॉर्म बनाओ, तो हम ऐसे हैबिट में रह चुके हैं, हम एक मिनट के लिए भी ये नहीं सोचते हैं कि इसका प्लूरल होगा भी कि नहीं होगा, हम फटाफट क्या ऐड करते हैं, जैसे बॉय का प्लूरल, गर्ल का प्लूरल, स्टाफ का प्लूरल, तो कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनका प्लूरल नहीं बनाएंगे, हो सकता है कोई वो अनकाउंटेड। अच्छा आयरन, आयरन का प्लूरल बताओ, वुड, डब्ल्यू डब्ल्यू डी वुड बनता है, और वाटर का बनेगा, मिल्क, राइस, हाँ राइस का, अच्छा लग रहा है बोलने में राइसेस तो बनता है, अच्छा नहीं लग रहा है बोलने में तो नहीं बनता है। तो बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनका सिंगल से प्लूरल बनाओगे, देखो तो दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो उसका प्लूरल बनेगा ही नहीं, या तो बनेगा तो उसकी मीनिंग या स्पेलिंग में डिफरेंसेस आ जाएंगे। जैसे पहला वर्ड इसमें है आपका स्टाफ, स्टाफ का मतलब क्या होता है? आप लोग हिंदी पढ़ते हो, हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, कर्मचारी, क्या लिखा है ये पढ़ो, कर्मचारी,
कुछ लोग इतनी खराब बोलते हैं कर्मचारी, कर्मचारी नहीं बोलते कुछ लोग, कर्मचारी सुना है आप लोगों ने, मैं सुनता हूँ ऐसे हिंदी ऑब्जर्व करता हूँ, कर्मचारी तो कर्मचारी नहीं होता है, ठीक है, जनरल होता है या जर्नल होता है, लोग बोलते हैं जर्नल से हो, जर्नल मतलब क्या, जर्नल एक यात्रा वृतांत होता है कि आप जर्नी के दौरान जो भी चीजें पढ़ते हो उसे हम कहते हैं जर्नल, तो जर्नल से हो, जर्नल वर्ड नहीं होता है, खराब हिंदी, स्कूल, स्कूल का सुना है नहीं सुना है, स्टाफ्स होता है बट इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, पोल्स खंभे समझते हो आप लोग, वो खंभा नहीं बिजली का, हाँ ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्टाफ्स, तो सिंगुलर में कुछ और मीनिंग है और प्लुरल में डिफरेंट मीनिंग है, वाटर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ठीक है, और जब आप इसका प्लुरल फॉर्म बना दो वाटर्स तो फिर से मीनिंग चेंज हो गए, ये हो जाता है जलाशय या फिर तरंगे, तरंगे समझते हो, वेव्स, उसे हम कहते हैं वाटर्स, सिमिलरली अगर आप जाते हो वुड के लिए तो वुड का मतलब लकड़ी, और जब आप इसका प्लुरल फॉर्म बना दो वुड्स, मीनिंग चेंज होगी क्या होगी, फॉरेस्ट, जंगल, सिमिलरली अगर मैं बात करूं आयरन की, आयरन का मतलब लोहा, और अगर आयरन्स की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, या फिर बेड़िया, अगर बात की जाए पेपर की तो पेपर की मीनिंग क्या होती है, कागज, और अगर मैं इसका प्लुरल फॉर्म बना दूं पेपर्स, क्या हो जाएगा ये, नहीं डॉक्यूमेंट्स, अगर कलर की बात की जाए तो रंग, और कलर्स होती है लेकिन उसकी एक और भी मीनिंग है, पर्सनैलिटी, किसी की वास्तविकता, वास्तविकता समझते हो, एक्चुअलिटी, क्या वर्ड लिखा था मुझे, एयर, एयर मीन्स एयर्स, एयर्स होता है या नहीं होता है, नोट करते रहो, नोट करते रहो, खूब पढ़ो, एक साल अपने ऊपर दो, एक साल में सब कुछ भुला करके, एक साल के बाद से आपके हाथ में जॉब होगी, उसके वजह से जो करना है दिन भर बैठो किसी पार्क में बातें ही करो, ठीक है, दो चार लड़कियों को ले लो साथ में, हैं, और बैठ जाओ किसी पार्क में धूप में छाता लगा के, खूब बातें करना, खूब, मतलब द गोल ऑफ योर लाइफ इज टू टॉक, अभी बस इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, आज के डेट में लड़कियां ज्यादा सक्सेसफुल है पता है आप लोग को, अभी यूपीएससी का लास्ट जो रिजल्ट आया था आउट ऑफ 10 टॉप 10 में 6 गर्ल्स थी, 6 लड़कियां थी, आप समझ रहे हो, तो लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कियां ठीक से पढ़ रही हैं, लड़के बर्बाद हो रहे हैं, इसका रीजन है, इसका लॉजिक है, कोई भी एक लड़की किसी एक लड़की को देख के मुस्कुरा दे अब वो खोया है, दिन रात सुबह शाम, और ये मुस्कुरा के चली गई और ये बहन घर पे पढ़ रही है, वो डूबा हुआ है, उसकी पढ़ाई खराब, वो आगे आगे की प्लानिंग सोच रहा है, ठीक है, और इधर ये आईएएस बन के निकल गई, ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है बॉयज के साथ, ठीक है, गर्ल्स चिल रहे हैं अपना, पढ़ रही है अपना आईएएस आईपीएस सारी नौकरी ले रही है, इन लोगों को नहीं समझ आ रहा लड़कों को, लिख लिया,
देखो जी, एएस का मतलब होता है दिखावा, दिखावा, या फिर इंग्लिश में अगर मैं लिखूं शो ऑफ कैरेक्टर, दिखावटी आचरण जो होता है ना किसी का, शो ऑफ कैरेक्टर होता है, जो दिखावे की दुनिया में रहता हो उसे हम कहते हैं। अब देखो यहां से क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए हैं, ये रख दो सर। देखो ये सेंटेंस अगर ऐसे आ जाए, इनमें इसमें कुछ है मिस्टेक, ऑनलाइन बच्चे आप लोग बताओ। अ बुक इज प्रिंटेड ऑन पेपर्स, करेक्ट और वही रहता है। थैंक यू। अ बुक इज प्रिंटेड ऑन पेपर्स, करेक्ट और इनकरेक्ट? क्यों हुआ इनकरेक्ट? क्योंकि ये किताब जो है वो पेपर्स पे, डॉक्यूमेंट्स पे छापी जाती है या कागज पे? तो यहां पर पेपर होना चाहिए, पेपर से जगह पे क्या करना होगा, पेपर होना चाहिए। ठीक है, नीचे ये सब रब कर दो। वेरी गुड गीतिका, गुड, रब कर दो सब। देखो और देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हेनेवर ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट था, ये सी पार्ट और ये डी पार्ट, नो एरर। जब कभी भी वो पार्टी में जाती है, व्हेनेवर शी गोज टू अ पार्टी शी गिव्स हरसेल्फ एयर, वो खुद को हवा देती है, तो है मीनिंग, वो खुद को क्या देती है, शो ऑफ कैरेक्टर देती है, दिखावटी आचरण। कौन से पार्ट में एरर है, क्या करना होगा? तो अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस हम सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आप सेंटेंस की मीनिंग निकालोगे सब बेकार है। क्लास में चक्कर में 12 बजे निकल के, ठीक है। हो गया ये, नीचे तो लिख लिया ना ये सब, नीचे ये रब कर दो। जो भी नंबर था आप कंटिन्यू कर लेना आगे। जैसे पेन का मतलब क्या होता है, पर अगर आप इसका प्लूरल फॉर्म बना दो तो ज्यादा दर्द है, कुछ भी यही होता है। अच्छा, ये नहीं होता है केयरफुल एफर्ट्स, पेन्स का मतलब होता है केयरफुल एफर्ट्स। सावधानी पूर्वक प्रयत्न, फॉर एन एग्जाम्पल माई मदर वॉज क्राइंग इन पेन और पेन्स, क्या होना चाहिए, माई मदर वॉज क्राइंग इन पेन और पेन्स, वो दर्द में चिल्ला रही थी। यहां पर पेन्स का मीनिंग का सेंस नहीं आ रहा है, गलत है। और अगर ये कहा जाए India took pain to win the Asia Cup. क्या इंडिया ने दर्द लिया एशिया कप जीतने के लिए? देखना क्या किया उसने, इंडिया ने दर्द नहीं लिया, केयरफुल एफर्ट्स लिए।
तो पेन की जगह पे क्या होगा यहाँ पे, ये सब आपको सेंस के हिसाब से चलना है, ठीक है, नोट करते रहो। वही बात है कि वर्ब अलग है और नाउन अलग है। आप कहते हैं ये दुख रहा है, इट्स पेनिंग, आप कहते हो, ठीक है, वो वर्ब है, वो वर्ब है। नाउन और वर्ब में यही तो अंतर है कि नाउन नाम है, जो इंटेंसिटी होती है कहीं पे चोट लग जाए तो जो हम फील करते हैं उसका क्या नाम है, दर्द, और उसकी एक्टिविटी कौन सी हो रही है, दिखने की, हम कहते हैं दर्द कर रहा है। गुड, करेक्ट आंसर कर रहे हो ऑनलाइन, ये ऊपर अप कर दो। लिख लिया होगा, अभी आपको इसी में कंटिन्यू करना है। कस्टम का मतलब क्या होता है, रीति रिवाज, है ना, और जब आप इसका प्लुरल फॉर्म बनाते हो कस्टम्स, तब मीनिंग क्या हो जाती है, ड्यूटी। कस्टम्स का मतलब होता है ड्यूटी, जैसे माय ब्रदर इज अ कस्टम ऑफिसर, नहीं नहीं सही है या गलत है, मेरा भाई रीति रिवाज का ऑफिसर है, क्या होना चाहिए, कस्टम्स। वर्क का मतलब काम, अगर मैं इसका प्लुरल फॉर्म बनाऊं वर्क्स, सही होगा गलत होगा, कलेक्शन या फिर संग्रह, किसी का जो कॉम्पोजिशन होता है, जो कलेक्शन होता है, जो संग्रह होता है, उसे हम कहते हैं वर्क्स। जैसे क्वेश्चन ये आया हुआ है, आई हैव रेड all the work of William Shakespeare. Correct or incorrect? क्या मैंने William Shakespeare के सारे काम पढ़ रखे हैं या सारे संग्रह collection मैंने पढ़ रखा है? पी लू या नहीं, अभी पी के देता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है, लिख लो works. ये नीचे रख कर दो, ये सब गुड। वर्क हो गया, कस्टम हो गया, सबसे डेंजरस वर्ड, डेंजरस क्यों, आपको तो पता होगा, कंपास तो पता ही होगा, क्या होता है वो प्रकार, सर्कल, वो प्रकार जो होता है, कोसो, खुद को कोसो, और कहां से पढ़ करके निकले हैं, वो कंपास नहीं होता है, कंपास क्या होता है, जो डायरेक्शन बताता है नॉर्थ एंड साउथ, उसको हम कहते हैं, मैं डायरेक्शन लिख रहा हूं, आप अपने हिसाब से लिख लेना, जो सर्कल ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं वो कंपासेस होता है, यस, ये सर्कल ड्रॉ करने के लिए होता है, किसी दिन मिले ना वो टीचर, वजन ना स्कूल बुलाओ, इधर बताओ ये सब क्या पढ़ा रखा है, नहीं होता है ये सब, बोलने की बात है,
इसलिए मैं प्राइवेट स्कूल से मुझे थोड़ी नफरत रहती है. नफरत इन द सेंस कि नहीं आप पैसे ले रहे हो सब कुछ कर, बच्चों को सही तो पढ़ाओ, नहीं पढ़ा सकते हो सही गलत मत पढ़ाओ. अगर मैं किसी का करियर बना नहीं सकता तो उसको बिगाड़ने का भी मेरे पास हक नहीं है. आप उल्टी सीधी बच्चों को पढ़ा रहे हो और बच्चे का माइंड क्या होता है, इनसेंट होता है, जो एक बार पढ़ेगा वो दिमाग में सेट हो गया, तो वो चीज नहीं पढ़ा रहे. बच्चे ने अगर कुछ उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, उल्टा सीधा नहीं मैडम के हिसाब से उल्टा, अगर कोई वैलिड क्वेश्चन पूछे तो डांट को बैठा देंगे, तो जब बैठ जाओ ज्यादा इंटेलिजेंट मत बनो. यही होता है. फ्रूट का मतलब खाने वाला या कौन सा, खाने वाला ही होता है ना, नहीं एक और फल होता है. फ्रूट्स की दो मीनिंग होती है, एक होता है वराइटीज. वराइटीज का मतलब ये कि अगर मैं चार आम खाने बैठा हूं सो आई एम ईटिंग फ्रूट और आई एम ईटिंग फ्रूट्स. चार आम खाने बैठा हूं अगर मैं, आई एम ईटिंग फ्रूट और फ्रूट्स. यस, अगर वो सिंगल वराइटी का भी है और एक से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फ्रूट ही खा रहे हो. लेकिन अगर एक से ज्यादा वराइटी का है तो आप क्या खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो. समझ आ गई बात. लेकिन खैर ये तो ठीक है, लेकिन फ्रूट्स का जो दूसरा यहाँ पर सेंस है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिजल्ट्स. रिजल्ट्स को हम क्या कहते हैं, फ्रूट्स. क्वांटिटी कह सकते हो या फिर आप क्वांटिटी से, क्वांटिटी तो गलत हो जाएगा, बेहतर है ये कि आप वैरायटीज को, वो एप्रोप्रिएट होगा. बता रहा हूं, पहले इसको सही कर लो, ठीक है, मैं सही वाली बता रहा हूं. द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क इज वेरी स्वीट. हार्ड वर्क का जो फ्रूट होता है, खाने वाला फल या रिजल्ट्स, रिजल्ट्स होना चाहिए ना यहां पे, यानी क्या होगा, फ्रूट्स होगा. और अगर आप इसको फ्रूट्स एज ए रिजल्ट मानते हो तो ये सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है. अभी आप ये सब किस में लिख रहे हो, प्लूरल में ही तो लिख रहे हो ना, तो फ्रूट्स क्या हो गया, प्लूरल, क्योंकि यहां पर मीनिंग आ रही है रिजल्ट्स, इसके लिए क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए. पता ऐसे चला कि आप जब किसी चीज के पीछे पागल हो जाओगे ना कि नहीं ये करना है ना, जब जुनून आ गया ना अंदर तो आप कर लोगे. मतलब मेरे पास, मेरे घर में ही एक लाइब्रेरी है, मोस्टली किताबें इंग्लिश की हैं, हिंदी राइटर्स की कम है. मतलब मैं जिनको मानता हूं, मतलब ये कह सकता हूं कि उन्हीं को साक्षी मान करके मैं पढ़ा रहा हूं, वो है माइकल स्वान, ठीक है. तो वो है फॉरनर, बहुत अच्छे राइटर हैं, लेकिन अगर आप उनकी किताबें पढ़ लो, अभी ही किताबें फाड़ के फेंक दोगे. उनकी किताब पढ़ने के लिए आपके पास बेस बहुत अच्छा होना चाहिए. रेमंड मर्फी हैं, ठीक है, एफ्टे वुड हो गए, माइकल स्वान हो गए. अगर आप अपनी इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर करना चाहते हो, अभी इस स्टेज पे बिल्कुल मत करना, अभी करने चलाऊंगा सीटेट में फेल हो जाओगे, क्योंकि दूसरे टाइप की इंग्लिश है. आप डॉक्टर अशोक कुमार की बुक पढ़ लो, इंडियन राइटर्स हैं, ठीक है, बहुत उनका नंबर भी है, उनसे अगर आप बातें कर लो, ठीक है. मतलब एक दिन मैंने गलती से फोन बना लिया, मुझे कुछ चीजें क्लियर करनी थी, वो ऑफिस से घर गए, खाना खाया और लेट नहीं गया तब फोन काटा. आप समझ रहे हो, बात करते करते ऑफिस में थे, वहां से बात करते करते घर पहुंचे, खाना पीना भी खा लिया और बोले कि चलो विकास ठीक है अब मैं लेट नहीं जा रहा हूं. मैंने कहा मुझे तो उठा दिया, मैं लेट आवा था, इतनी देर कौन बात करता है, वो आपको आपको पागल बना देंगे इतनी बातें करेंगे. और द बेस्ट रिसोर्स, सबसे बेहतरीन चीज, कुछ मत करो, न्यूज पेपर पढ़ लो, आपको सारे इंग्लिश का सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है. आपकी आंखों को ना सही इंग्लिश देखने की आदत लग जाएगी, जैसे ही उल्टी सीधी इंग्लिश आएगी आपकी जुबान लड़खड़ा जाएगी, आपकी नजरें स्कैन कर लेगी. कभी आपने आज तक लाइफ में कभी भी देखा है वर्ड, फ्रेंडो वर्ड सुना है, नॉर्मल लाइफ में सुना होगा ना, मैं फ्रेंडो के साथ जा रहा हूं. फ्रेंडो कौन सा वर्ड है, फ्रेंड्स होता है यार, दोस्तों होता है ना, खराब है. आप अच्छे माहौल में बैठो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, आपको भगा देंगे, उठो जाओ. टीचरों,
गर्ल हो, चेयर हो, बॉयज हो, प्रिंसिपल हो, सब नहीं होता है वर्ड। अब अगर किसी दिन आपके पेपर में ये फ्रेंडो वर्ड दिख गया तो आप उसमें गलत करोगे कि नहीं करोगे? लेकिन अगर वही आदत लग गई कि नहीं मैं फ्रेंडो लिखूंगा तो फिर पेपर में आएगा तो आप कहोगे देयर इज नो एरर। इसीलिए कहा जाता है चैट वैट में आप कहते हैं मैसे यू हैव, चाहे आई गो टू ऐसे करके स्कूल SCHL, ठीक है। अच्छा एक और भी बहुत गंदी आदत है चैट में, पता है क्या? मोस्ट ऑफ द टाइम हम वॉवल खा जाते हैं ना, क्यों खाते हैं नहीं मालूम। स्कूल में क्या खाए हम वॉवल, वांट में क्या खा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आदत खराब है। आप कोशिश करो कि आप प्रॉपर लिखो वाई ओ यू। कई बार ऐसी आदत पड़ी जाती है, बीच में मेरी भी आदत पड़ गई थी, तो आदत खराब हुई जिंदगी भर, जिंदगी भर चीजें खराब हो जाएगी। मुझे भी आदत हो गई ऐसे लिखने के लिए, और मेरा एक डिस्क्रिप्टिव पेपर था, मैं भी गया तो मैंने ऐसे लिखना शुरू कर दिया, फिर मैंने उसे काटा। मैंने कॉन्सेंट्रेट किया कि नहीं, आई एम नॉट सिटिंग हियर फॉर चैट, मैं चैट करने नहीं बैठा हूँ यहाँ पर, मैं पेपर दे रहा हूँ। और बहुत ब्लंडर होता है ये सब, नंबर काट लेंगे आपके, ठीक है। वो कैब्स करते हैं हम थोड़ी देर, ठीक है, थोड़ी देर वो कैब्स करते हैं। पिछला वो कैब्स आपसे सुन लूं, क्योंकि 5 नंबर की वो कैब्स भी तो आ रहे हैं आपके पेपर में, उसको लाइटली मत लो। उसी के हिसाब से करना है और अलग से नहीं करना है। बिल्कुल। सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, रेप्रिमेंड, रिव्यू, चाइल्ड चेस्टाइज, कैस्टिगेट, रिप्रोच एंड टू गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड। हम कई बार कहते हैं कि हाँ आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू सम पीस ऑफ माइंड, कि हाँ मैं तुम्हें दिमागी शांति देना चाहता हूँ। नहीं, टू गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड का मतलब कि किसी को डांटना, समझ लो ये एक इडियम है, ये भी पेपर में पूछा गया है, ठीक है, तो ये लिख लो। Yes. सबकी मीनिंग होती है डांटना। Yes. Assuage, alleviate, mitigate, lessen और decrease, इनकी मीनिंग होती है कम करना। जैसे आप कहीं पे अगर पेन है, हम मेडिसिन लेते हैं और क्या बोलते हैं, इट विल एलिविएट योर पेन, इट विल assuage योर पेन, मिटिगेट, lessen, decrease योर पेन, तो किस चीज की तीव्रता को कम करना। इसमें एक और भी वर्ड आता है assuage, alleviate, एलिवेशन वर्ड तो सुना होगा, पॉवर्टी एलिवेशन, एलिवेशन पॉवर्टी वही है। ये सुना है, ये वर्ड सुना है,
देखो नहीं, वो बचपन वाली निन्नी नहीं है जो हम हिंदी बोलते थे कि हाँ मम्मी निन्नी आ रही है, नहीं वो तो हिंदी है ना, फिर ये तो इंग्लिश की बात हो रही है। निन्नी का मतलब, अब अपने किसी दोस्त का नाम रख दो ना निन्नी, ये है बड़ी यू आर माई निन्नी, वो भी खुश हो जाएगा, लेकिन जिस दिन पता चलेगा उस दिन लड़ाई हो जाएगी। अ फुलिश पर्सन, मूर्ख व्यक्ति को कहते हैं निन्नी। काउलव एडियम है, काउलव। वैसे आपको क्या लग रहा है काउलव की क्या मीनिंग होगी? गाय से प्यार है काउलव, इमैच्योर लव, बचकाना। और बेहतर समझने के लिए आप कह सकते हो यहां पर निब्बा निब्बे, दैट इज द बेस्ट, बचकाना प्यार, ठीक है वही है, मैं वही कह रहा था कि मिटिगेट। हाँ मैं मैंने अपने मोहल्ले में 11-12 साल की लड़की थी बेचारी, वो फोन पे बात कर रही थी किसी से और बोल रही है क्या कि बाबू बच्चों वाली बात मत करो। क्यों रहा है उस खुद की उम्र 11 साल 12 साल होगी, वो कह रही है कि बाबू बच्चों वाली बात मत करो। मैं सोच रहा हूँ उसका बाबू फिर कितना बड़ा होगा, तो वो क्या हो सकता है, काउ लव होगा, ई मैचुर लव। अजीब से बच्चे हैं। चलो जी आगे देखते हैं वर्ड। पॉम्पस, बॉम्बास्टिक, ऑस्टेंटेशियस, प्रीटेंसेस, पॉम्पस, बॉम्बास्टिक, ऑस्टेंटेशियस, प्रीटेंसेस, इन सब की मीनिंग होती है दिखावा। जो एक्चुअली नहीं है उसको दिखाने को हम कहते हैं पॉम्पस, बॉम्बास्टिक, ऑस्टेंटेशियस और प्रीटेंसेस। मैं वही वर्ड्स दे रहा हूं आपको जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली पेपर में पूछे। प्रिटेंड करना ही तो दिखावा हो गया ना, जैसे मान लो कि किसी के पास किसी चीज की नॉलेज नहीं है लेकिन वो प्रिटेंड करे कि यस मुझे मेरे पास है, तो दिखावा ही हुआ ना एक तरह से। प्रिटेंशियस एक एडजेक्टिव है और प्रिटेंड एक वर्ब है। प्रिटेंड की 5 फॉर्म आप बनाओगे, आई एम नॉट प्रिटेंडिंग, मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा हूं। और अगर मैं किसी पर्सन को कहूं कि यस इज अ प्रिटेंशियस पर्सन, मतलब वो दिखावे वाला व्यक्ति है, तो वहां पर ये बन गया। ओ यू एस अगर कहीं पे आ जाए लास्ट में तो मान करके चलो कि वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें जैसे आई सी आ गया, आई सी, ओ यू एस, एफ यू एल, ई एन टी, बी एल ई, ए बी एल ई, सी ए एल और कह सकते हो ई एन टी, हाँ ये सारे एडजेक्टिव बनाते हैं। जैसे कैपेबल में क्या आ गया बी एल ई, प्रैक्टिकल सी एल, इसके अलावा फैंटेस्टिक आई सी आ गया, एफ यू एल ब्यूटिफुल है ना, फेमस, एम्बिगुअस, ओ यू एस आ गया। अगर आपको ई एन टी जैसे इंटेलिजेंट, ये सब क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं, क्योंकि ये सफिक्स होते हैं, पहचान होती है। एक और वर्ड देखते हैं, एम्बिगुअस तो लिखाया था मैंने, चेक करो एम्बिगुअस वर्ड लिखाया था, अनक्लियर, अनसर्टेन, अनडिसाइडेड, एम्बिगुअस नहीं लिखाया, एम्बिगुअस, क्रिप्टिक, एनिग्मेटिक, इक्विवोकल, रेकंडाइट, ऑब्स्क्योर, एब्स्ट्रूस, इन सब की मीनिंग होती है अनक्लियर। जैसे मान लो किसी की वॉइस अनक्लियर है तो आप कहोगे योर वॉइस इज एम्बिगुअस, ऑब्स्क्योर, क्रिप्टिक, एनिग्मेटिक, रेकंडाइट बोल सकते हो। कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, अस्पष्ट है, अनक्लियर है, आप क्या बोलोगे, एम्बिगुअस हैंडराइटिंग।
किसी भी चीज के जो अंक